हैं, आपका स्वागत है साइंस फैक्ट चैनल में। वेलकम टू आवर साइंस फैक्ट चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड मोर शेयर। प्रेस रेड बटन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। ये ग्रेड 6 का RBSC बोर्ड से क्वेश्चन है। लेते हैं, क्या हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई स्रोत है? मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आई हूँ। यू कैन ईजली नोट डाउन, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए देर करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? नहीं, हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं, क्या हमारे भोजन का पौधे या जंतुओं के अलावा भी कोई स्रोत है? नहीं, हमारे भोजन का पौधे और जंतुओं के अलावा कोई स्रोत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को इंग्लिश में देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहली wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि जो हमारा भोजन है, वो जो हम खाते हैं, खाना भोजन लेते हैं, क्या वो source, मतलब यहाँ होता है साधन, plants और पौधे या जंतुओं के अलावा भी किसी और साधन से हमें प्राप्त होता है? ये question है यहाँ पे। तो हम इस question का answer देखते हैं नीचे। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नो, देयर कैन नॉट बी एनी फूड दैट मे कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, हमारा जो भोजन है उसका कोई जंतुओं और पौधों के अलावा कोई और भी साधन से या सोर्स से हम नहीं प्राप्त कर सकते। हाउएवर मशरूम इज एन, लेकिन क्या होता है, हाउएवर मशरूम इज एन इडेबल विच डज नॉट इडेबल विच डज नॉट कम आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। बल्कि जो मशरूम होता है, मशरूम जो हम खाते हैं, वो जो हम खाते ये ऐसा है ना, ये पौधों से आता है और ना ये जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। फिर से हम देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसको फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए कैसे। पहली wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals. No, there cannot be food and no, there cannot be food that any may come from source other than plants and animals. However, mushroom is an edible which does not come either from plants and animals. नहीं, जो हम भोजन लेते हैं वो पौधों और जंतुओं के अलावा हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो मशरूम होता है उसे हम जंतुओं और पौधों दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसको हम फिर से देख लेते हैं। क्या हमारे भोजन में क्या होता है, पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है? नहीं, हमारे भोजन में का पौधे और जंतु के अलावा कोई स्रोत नहीं है। ये हिंदी का हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो इसी का है, वो इंग्लिश में है। पहले wants to know if any of our food comes from source other than plants and animals। ये जानना चाहते हैं कि जो भोजन है हमारा, फूड है, उसका कोई और भी साधन है जो पौधे और एनिमल्स जंतुओं के अलावा प्राप्त होता है। नो, देयर कैन नॉट बी एनी फूड Any food may come from source other than plants and animals. However, mushroom is an edible which does not come either from plants and animals. बल्कि जो मशरूम होता है वो हम जो खाते हैं मशरूम को, वो ना पौधों से मिलता है और ना जंतुओं से मिलता है। बल्कि ये क्वेश्चन यहाँ पे था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रेड 6 का, जो आप नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं, आप जाइए विजिट साइंस फैक्ट चैनल।
एंड यू कैन फाइंड आउट दिस। और जो प्लेलिस्ट है वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो वी विल एंड दिस वीडियो हियर। मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। दूसरे क्वेश्चन को लेके आएंगे फिर हम, और फिर जानेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है ग्रेड सिक्स का। ओके, थैंक यू वेरी मच।